नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कुछ विकास संबंधी मुद्दा को लेकर। नए प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा की सरकार बन चुकी है, अब मंत्रिमंडल भी एक दो दिन में विस्तार हो ही जाएगा। लेकिन शेर बहादुर देउबा जी को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी चुनौती विकास को लेकर ही है। पूरे देश में विकास का माहौल गौण है अब तक का जो देखा गया है उसमें, और इनके समक्ष विकास से जुड़ी हुई एक मामला है, एक मुद्दा है MCC का, यानी कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। इसके तहत काफी पैसा नेपाल आने वाला है, जो कि पिछली सरकार कई बार प्रयास की लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। समझौता हो गया लेकिन वह समझौता संसद से पास नहीं हुआ। आइए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पर, कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश में जब भी विकास का बात होती है तो उस पर देश में विरोध ज्यादा होता है, विकास कम होता है। इसी संबंध में डॉक्टर गोविंद राज पोखरेल एक ट्विटर पर इस बीच में बात कही है। मैं बता दूं, डॉक्टर गोविंद राज पोखरेल योजना आयोग के पूर्व प्रमुख भी हैं। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही हम फास्ट ट्रैक PDA के विरोध से लागत खरबों में वृद्धि हो गई, Arun-3 का विरोध जब नेपाल में हुआ तो उसकी लागत और उसका नतीजा हम लोगों के सामने है, जो अभी तक Arun-3 बना नहीं है। अब विद्युत लाइन विस्तार के लिए जो MCC आ रहा है और उसका देश में ही विरोध हो रहा है, तो उस विरोध से आप अंदाज लगा सकते हैं कि विकास का मुद्दा कहां पर है। लेकिन गोविंद राज पोखरेल ने थोड़ा व्यंग भी किया है कि अब वह दिन दूर नहीं है जबकि हमारे यहाँ के लोग विरोध करने लगेंगे कि पासपोर्ट बंद कर दो, क्योंकि पासपोर्ट देने से सभी विदेश में जा रहे हैं और कल विदेश में चले जाएंगे तो यहाँ लड़ाकुओं की कमी हो जाएगी जो देशभक्ति के लिए लड़ेंगे। तो ये देशभक्ति को इस तरह मापा गया है नेपाल में। ठीक इसी से जुड़ी हुई अभी मुद्दा आ गया है MCC का, और शेर बहादुर जी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे पास करवाएंगे संसद में। बात तो बहुत दिन से चल रही है। अब इस संबंध में आपको मैं बता दूं, डॉक्टर सुरेश राज चालीसे का एक अंतर्वार्ता आया है और डॉक्टर सुरेश राज चालीसे ने स्पष्ट रूप से कही है कि इसके पीछे, इसका विरोध के पीछे और किसी का नहीं, चीन का हाथ है, इशारा है। उन्होंने उसमें इशारा यही किया है। उनका मानना है कि सन 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक अध्ययन करवाया था। उस अध्ययन के तहत पाया गया कि विश्व के कई सारे देश में जहां तानाशाही व्यवस्था है, उस तानाशाही व्यवस्था में सहयोग का सदुपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि अमेरिकन सहयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है तानाशाही व्यवस्था के तहत, और उसमें प्रजातंत्र भी नहीं पनप पा रही है, प्रजातंत्र को कैद कर दिया जा रहा है। उसी समय से उन्होंने यह
एमसीसी की व्यवस्था की, और सहयोग जो कहा गया वह सहयोग था कि किसी राष्ट्र के खास विकास पर ही हम सहयोग करेंगे। अब जैसे नेपाल से जुड़ी हुई बात है ट्रांसमिशन लाइन की और कोई सड़क की, तो उस मुद्दा पर ही वो सहयोग करेंगे और उसी को एमसीसी कहा गया है, और जिसका कि नेपाल में खुलकर विरोध हो रहा है। मैं आपको बता दूं इस संबंध में जो नई सरकार बनी है, इसका गठबंधन की सरकार, इसमें कई पार्टी जुड़ी हुई है। अब कुछ ही दिन पहले हमारे कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के जो नेता है प्रचंड जी, एक समारोह में बोल चुके हैं कि अनावश्यक रूप से लोग रास्ता खोज रहे हैं, कोई छिद्र खोज रहे हैं, यानी कि खिड़की होकर भी घुस जाए और गठबंधन को तोड़ दे। तो उनका इशारा यही था कि उनका कहना था कि कंट्रोवर्शियल चीज को सामने लाया जा रहा है जिससे कि गठबंधन टूट जाए, गठबंधन आगे नहीं बढ़े। यह शेर बहादुर देउबा जी को एक संकेत था प्रचंड के तरफ से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये विवादित मुद्दा को उछाला जा रहा है और जो कि हमारे हित में नहीं है। ठीक उसी का समर्थन करते हुए पिछले सप्ताह जो गठबंधन की मीटिंग बलुआटार में हुई थी, तो उसमें राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष जो चित्र बहादुर केसी जी हैं, केसी जी ने वहां यह बात उठाई कि वो लोग एमसीसी के मुद्दा का विरोध कर रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के उपाध्यक्ष दुर्गा पौड़ेल जो है सो आकर स्पष्ट बोली कि हम लोग उसमें स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि हमारी पार्टी एमसीसी के विरोध में है, यद्यपि यह मुद्दा इसका एजेंडा उसमें नहीं था बलुआटार बैठक में, लेकिन फिर भी इन लोगों ने दबाव देकर यह बात वहां पर कही, जो अगर एमसीसी आता है तो उसका उसकी विरोध होगी। अब ये गठबंधन के लिए जो अभी न्यूनतम कार्यक्रम श्री पूर्ण बहादुर खड़का जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, उसमें भी ये चीज है कि इस पर एमसीसी को कैसे रखा जाए, और उसके लिए कार्य दल काम कर रहा है, और वह कार्य दल को भी अब मुश्किल पड़ रहा है कि वह कैसे इसको बढ़ावे। लेकिन देउबा जी के मंत्री हैं और नेपाली कांग्रेस के नेता भी कानून मंत्री और सरकार के प्रवक्ता हैं ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की। अब ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की कह चुके हैं कि अभी तक ये केस आया नहीं है, यह हम लोग संसद में पेश करने जाएंगे, इस पर अभी विचार नहीं किए हैं, लेकिन यह पेश होगा ही। श्री कार्की का कहना है कि यह विकास से जुड़ी हुई बात है, इसलिए हमको यह संसद से पास कराना ही पड़ेगा, क्योंकि यह नेपाल के हित में है। यह ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने स्पष्ट कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि अब इसका पास करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि गठबंधन में और शेर बहादुर देउबा जी को थोड़ा मुसीबत आ रही है कि इसका कैसे समाधान किया जाए। और एमसीसी का विरोध पहले माओवादी के नेता जो नारायण काजी श्रेष्ठ थे, वो कड़ा विरोध करते आए हैं शुरू से, और कार्यदल के सदस्य देव गुरुंग भी यही बात कह रहे हैं कि यथा स्थिति में एमसीसी को पास नहीं कराया जा सकता। और इससे पहले ही माओवादी जो है सो एक सुझाव इसका परिमार्जन के लिए दे चुका है, जिसमें 16 बूंदे सुझाव है। अब 16 बूंदे सुझाव में बहुत सारे तर्क दिया गया है,
और वह अमेरिका को पसंद होगा नहीं होगा, अगर हम जबरदस्ती यह भेजते हैं तो अमेरिका नहीं भी दे सकता है इसको। लेकिन एमसीसी के संबंध में अगर देखा जाए तो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही शक्ति संघर्ष इसी को प्रमुख मुद्दा बनाकर चलाया गया है। और अभी देखिए तो माओवादी के दो नेता पंफा भूषाल और जनार्दन शर्मा जो दोनों कड़ा विरोधी थे एमसीसी के, ये दोनों अभी मंत्री पद पर विराजमान है। एक पंफा भूषाल ऊर्जा मंत्री और जनार्दन शर्मा स्वयं अर्थ मंत्री हैं, जो कि अब इनको पता तो चल ही रहा है कि इसमें अब इसको कैसे लाया जाए, क्योंकि यह नेपाल सरकार और एमसीसी के बीच 2014 भाद्र 29 गते ही समझौता हो गई है, लेकिन तब से इसको कार्यान्वयन नहीं किया गया है, क्योंकि संसद में विचाराधीन है यह। और इस संबंध में आपको हम बता दें कि अब जैसे ही नई सरकार आई है तो नई सरकार के समक्ष अमेरिकी राजदूत रैंडी बेरी, उनका भी अब गतिविधि तेज हो गया है और वो सबसे मिलना शुरू कर चुके हैं। जनार्दन शर्मा जो अर्थमंत्री हैं उनसे एक बार उनकी बात हो चुकी है और उस पर एमसीसी पर भी उस चर्चा हुई है। यह बात तो विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है। अब प्रधानमंत्री देवबा स्वयं अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर वार्ता किए हैं और फोन पर वार्ता के दरमियान एमसीसी की भी चर्चा की गई है। इसलिए अमेरिका का एक प्रकार से पूरा इंटरेस्ट इस पर दिखा जा रहा है कि वह जो पैसा दिया है, जो अलॉट किया है, उसका अभी तक अनुमोदन क्यों नहीं हुआ है। अमेरिका का विदेश मंत्रालय आपको बता दें कि 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स एक रिपोर्ट में यह जानकारी दे चुकी है पहले ही कि नेपाल में इसको पास होने में ढिलाई किया जा रहा है, उस पर वह चिंता व्यक्त कर चुकी है। और दबे स्वर में उसने एक चेतावनी भी दिया है कि अगर यह नहीं कर पा रहा है, यह अनुमोदन नहीं कर पा रहा है, तो यह लगानी कर्ता के लिए, जो डोनर है, उसके लिए आगे के दिनों में बहुत ही कठिनाई पैदा हो सकती है। तो मित्रों, इतनी सारी बातें इसमें है और इसमें 500 मिलियन डॉलर की बात है जो कि दिया जा चुका है, लेकिन हमारी सरकार इसको इस्तेमाल करने में कतरा रही है। इसमें बार बार विरोध आ रहा है, जब भी विकास आता है तो वहां पर सीधा विरोध आ जा रहा है। और इसी संबंध में डॉक्टर सुरेश राज चालीसे कहते हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, वह अपनी आंख से नहीं, चीन की आंख से देखती है, और चाइनीज आंख से देखने पर यह लगता है कि अमेरिका नेपाल में आ गया और नेपाल में आकर वह कुछ कर तो नहीं देगा। जो चाइना तिब्बत को अभी तक अपने कब्जे में रखे हुए है और तिब्बत का सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है, इस पर चाइना का ध्यान जा रहा है और वो चाह रहा है कि अमेरिका किसी भी तरह नेपाल में यह योजना लेकर नहीं आवे। और यही चीज है कि चाइनीज जो समर्थक लोग हैं वह इसके पक्ष में नहीं है। अभी जो जनता समाजवादी पार्टी अब सत्ता में जाने वाली है और जा रही है, ये भी इस मामले से ओली सरकार के टाइम में ही पीछे हट गई थी और इनको भी उसी समय की परिमार्जन चाहिए। स्वयं बाबूराम भट्टराई है और उपेंद्र यादव जी हैं, ये जैसा को तैसा पास करने की स्थिति में नहीं है, तो इनका भी कहना, इनकी भी बात जुड़ी हुई है, इसलिए जुड़ी हुई है कि एमसीसी अगर पास होता है तो इसमें बहुत सारे रोड
और ये बिजली की जो है निर्माण कार्य वह भारत से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन बनता है तो भारत में बिजली पठाने में सुविधा होगी। तो ये बात डॉक्टर सुरेश राज चालीसे कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वह केवल अमेरिका की परियोजना नहीं है, वह तो भारत नेपाल और अमेरिका की परियोजना है, भविष्य में उससे बांग्लादेश भी जुड़ सकता है, क्योंकि हमको बिजली तो बांग्लादेश में भी भेजना है। तो इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध हो जाना, यह हमारे यहाँ कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि चीन का षड्यंत्र है, और चीन इस बात से पूरी तरह अवगत है कि हो सकता है कि उसका तिब्बत में जो वो दबदबा बनाए हुए है उस पर अमेरिका आकर कहीं खलबली न पहुंचा दे। जस्ट इसके लिए वह नेपाल के विकास को अवरोध करने में लगा हुआ है और अपने लोगों को अपना आगे उछाल रहा है इसके विरोध में। अब देखना यह है कि शेर बहादुर देउबा जी इसको कैसे टैकल करते हैं। इसको टैकल करने में शेर बहादुर देउबा पहले भी कह चुके हैं कि जब ओली सरकार पेश की उस समय भी बोल चुके हैं कि इसको किसी भी तरह पास कराया जाए, और अब तो उनके हाथ में है और उनको यह पास करवाना है कि कैसे पास करवावे। सबसे बड़ी बात उनमें जुड़ी हुई है कि शेर बहादुर देउबा की श्रीमती आरजू राणा, उनका बहुत बड़ा एनजीओ है नेपाल में, और वह इतना बड़ा एनजीओ चला रही है जिसके तहत काफी काम हो रहा है यहाँ, लेकिन उसका फाइनेंसिंग बॉडी भी सबसे ज्यादा फाइनेंस अमेरिका से हो रहा है। अभी आपको त्रिशूली में कई एकड़ जमीन है, वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, पश्चिम में हो रहा है, इस सब का फाइनेंस अमेरिका से हो रहा है। तो शेर बहादुर देउबा का तो अपना इंटरेस्ट रहेगा ही, और पूरा देश का इंटरेस्ट है, क्योंकि यह विकास से जुड़ा हुआ है। अगर इसका विरोध होता है तो यह विकास भी पीछे चला जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह अरुण आज कितना पीछे चला गया, ये फास्ट ट्रैक पीछे चला गया। तो नेपाल का विकास में जब भी अंधराष्ट्र भक्ति जो है उसको आगे ला दिया जाता है और विकास अवरोध हो जाता है वहीं पर। ठीक MCC भी वही अंधराष्ट्र भक्ति का शिकार हो रहा है। मित्रों, आपके समक्ष आज यह विकास संबंधी बात लेकर मैं कुछ जानकारी कराई, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे, अभी हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालयी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।